इंडस्ट्री में हर साल, हमारी इंडस्ट्री में हर साल अनगिनत लड़कियां लॉन्च होती हैं, लेकिन वो टिक नहीं पाती हैं, क्योंकि आप टैलेंट को मौका नहीं दे रहे हैं, वो लोग कुछ और चीज़ को मौका दे रहे हैं। हाथ जोड़ के क्यों नहीं ले, नमस्कार बरहोल के भाई, आज हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। हाँ, अभी तक हम सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कोनो प्रकार के वीडियो ना बने रहनी है, काहे कि कुछ लोग भाई अपन रोटी सेक रह रहन मुअल आदमी के ऊपर भी, तो हम ऐसा कुछ ना कर चाहत रहनी है। लेकिन पहले ये वीडियो देखी शक्ति कपूर जी के, ओकरा बाद से हमार रही टिप्पणी। अच्छा आदमी था, है ना, बहुत अच्छा आदमी था। अरे कुछ ना कुछ तो कहना था ना, उसके जनाजे में कुछ तो बोलना था ना, अगर नहीं कहते तो जमाने को तुम्हारी अच्छाई पे शक हो जाता। तो ये वीडियो रहो देख भैया, शक्ति कपूर जी के बात 100% सही बा और 100% हम समर्थन कर रहा बने, काहे सही बटे ये बात भी आप लोगों को बता रहा बने। देखिए सही बात तो कहते रहन कि सही आदमी रहलो, अगर हम कुछ ना कहते तो लोगन के हमार ईमानदारी पर शक हो जाए। बात एक नंबर 100% कहते रहन कि अगर हम कुछ ना कहते तो लोगन के हमार ईमानदारी पर शक हो जाए। यही के लेके लोग तरह तरह के, जैसे कि खेसारी लाल अपने आप के ट्रेंडिंग स्टार कर लन, वो तो बॉलीवुड में एंट्री मारे के मरतबा ऐसा कोशिश कैलन, ऐसा कोशिश कैलन कि जौन आके ना कहल जला, आधे मुँह गिर गल, भर मुँह माटी ले लिया, मतलब ए तरह के घटिया हरकत कैला से बॉलीवुड स्टार बन जेबा। अरे मरतबा सोचे के चाहिए, जितना बजट में तू अपन फिल्म बनावल न, उतना बजट के वजह लाइट और स्पोर्ट के पैसा दे दिया जला जौना बजट में तार फिल्म बनेला। दरअसल ये पर हमारे कोई विशेष टिप्पणी नहीं है, और हम आगे भी बात करब। और भोजपुरी आर्टिस्ट जौन आर्टिस्ट और भोजपुरी के स्टार हीरोइन बाड़ी रानी चटर्जी, वो केंग ने भोजपुरी लोग के एहन लोग के रहन के ऊपर केंग ने बड़का बहुत बड़का आरोप लगल बड़ी, ये उनकर वीडियो देखी। और ऐसे कई एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में अभी जो सिर्फ ग्रुप बना के काम करते हैं, ये इनफैक्ट डायरेक्टर, इनफैक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन लोगों को समझ में नहीं आता ये लोग चाहते क्या हैं, ये लोग सिर्फ अपना एंजॉयमेंट चाहते हैं या फिर इंडस्ट्री के लिए कुछ करना। वीडियो देखने बात एकदम सही कह रहा बाड़ी कि जो नेपोटिज्म नेपोटिज्म लगातार कर रहा बन जाए। पहले बात तो नेपोटिज्म का होला, भोजपुरी में 30 से मतलब हमारा से 70% दर्शक लोग के नहीं के पता नेपोटिज्म का मतलब होला का। अरे भोजपुरी में कह सकत रह जाए कि परिवारवाद चलत अटे, किंग ने अपन अपन खर खानदान के घुसावल जाते भैया, उजा तो घुसावल जाता खर खानदान के, लेकिन एक जगह का होता है एक जगह तो हाँ लोग ग्रुपिज्म करते रह जा, मतलब देखो तो पवन सिंह के कुछ और ग्रुप चलत हो कि खेसारी लाल के कुछ और चलत हो कि निरहुआ के कौन और चलते, मतलब नया लोग के एंट्री अगर केहन लोग के फिल्म में तू देख ल तो मरते के बात है। हम खुद बताओ तो नहीं, अपन पर्सनली एक्सपीरियंस बताओ तो नहीं, हम बतौर आर्टिस्ट खुद काम करें नहीं, आ ना जाने हम कितना बार ट्राई कैले होखम, कितना बार कोशिश कैले होखम, लेकिन ए जगह ग्रुपिज्म के अलावा एगो चीज चलेला पैसा, पैसा बाटे तो तार काम हो सकेला। हम एक बारे में एगो अलग से वीडियो बना कर वाले दिखाएं और जरूर बताएं। और भी एगो और क्लिप देखी रानी चटर्जी के बारे में, और किंग ने बता रहा तरी और किंग ने खोल तरी यहाँ लोग के पोल मनोज तिवारी के बारे में, ये वीडियो देख। और इवन मनोज तिवारी जी, ससुरा बड़ा पैसा वाला हिट देने के बाद मनोज जी अपनी फिल्मों में सिर्फ हिंदी के एक्ट्रेसेस ढूंढ रहे थे, वरना ये पॉसिबल है कि हिस्ट्रिकल फिल्म हो और उस एक्ट्रेस और एक्टर ने सिर्फ 3 फिल्में की हो साथ में। सोच के शर्म आओ तटे कि जौन सच में भोजपुरी के सबसे बड़ा कमाई कर वाला फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला भैया, वो समय के सबसे हिट फिल्म रहे, आ उस समय का अब तक भी उस तरह के कोनो फिल्म लगभग नहीं खे चलन हमारा आशा से। आ वो हीरोइन संगे मात्र 3 गो फिल्म, और तो और मतलब ऐतिहासिक फिल्म एक कहल जा सकेला। आ वो एगो और ही आरोप लगा रहा बड़ी, ओकर भी क्लिप जरूर देखें। अगर भोजपुरी की बात करेंगे तो सबसे पहला मेरा नाम आएगा एक्ट्रेसेस में, अवार्ड फंक्शंस में नहीं बुलाया जाता जल्दी, लेकिन किस
वीडियो देखने उसमें साफ साफ कहते रही कि इतना बड़का फिल्म दिला के बावजूद भी, इतना काम कैला के बावजूद भी, ज़्यादातर हम ओमन एथ वाला फिल्म करनी, फिर भी हमके आज तक कौनो शो में, जैसे कि अवार्ड शो में आज तक हमके नहीं के सम्मान दिया भाई। तो ग्रुपिज्म तो बटला ही बट, ये तो कन्फर्म बा कि भोजपुरी में ग्रुपिज्म बा। अब एक क्लिप देखी एगो और, हाँ एक क्लिप देखनी है रवि किशन और नीरवा के बारे में, एकदम साफ साफ बताते ऑलरेडी हमारा संगे फिल्म कब कैलन जाए, जब हम कुछ बन चुके रहें। और निरहुआ के बारे में तो पूरा साफ साफ कह रहा बड़ी कि निरहुआ आज तक हमारा संगे अपोजिट, जब भी फिल्म करे बढ़ा उनकर हम अपोजिट साइड में हीरोइन बने, जैसे कि कौन में दूगो हीरो वाला सा तो में अपोजिट साइड में वो हीरो वो हीरोइन एक तरह के हम बने। तो भैया ये बा भोजपुरी के सच्चाई, और यह लोग दूसरा के कंधा पर रख के चलाओ तरह मधु कि बहुत बड़ा घटिया तरीका के अंदाज ए तरह के करे वाला लोगों के क्या करे के चाहिए रहो, लेकिन सोची और समझी और जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी हम जीत और रहो, लेकिन देखते रहें न्यूज़ तक भोजपुरी। नमस्कार।